नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्सो पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। सुबह के इस खास अंक में आप सभी का स्वागत है। स्कूली छात्र की चाकू से गोद कर की गई हत्या, परिजनों ने दोस्त पर लगाए हत्या के आरोप। बुधवार शाम से गायब था छात्र, ड्रेन किनारे मिला युवक का शव, पुलिस ने किया मामला दर्ज। नगर निगम ने पुरानी और नई 67,000 प्रॉपर्टी आईडी का किया मिलान, सभी प्रॉपर्टी आईडी को किया जाएगा इंटीग्रेशन। सेक्टर 29 पार्ट 2 में हैंडलूम की फैक्ट्री में लगी भयंकर आग, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां, आग पर पाया गया काबू, टल गया बड़ा हादसा। जहरीला दूध पिलाकर पत्नी की हत्या के दोषी को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा, साथ ही आरोपी पर लगाएगा 25,000 रुपए का जुर्माना भी। एल्डिगो फेज 2 में निर्माणाधीन मकान की पहली मंजिल की छत से गिरी महिला, महिला की हुई मौत, बेटे ने लगाए आरोप तो मालिक और ठेकेदार पर, पुलिस ने किया मामला दर्ज। गुप्त सूचना के आधार पर सीएम फ्लाइंग और खाद्य आपूर्ति विभाग की संयुक्त टीम ने की छापेमारी, जूते की दुकान पर हो रही थी गैस सिलेंडर की कालाबाजारी। एसपी अजीत सिंह शेखावत के मार्गदर्शन में पानीपत पुलिस का नशा तस्करों पर कड़ा प्रहार, करीब 1.5 लाख रुपए कीमत की चरस सहित 2 नशा तस्करों को किया गया गिरफ्तार। जिला वासियों के लिए डीसी ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, 8 मई से सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 10 से लेकर शाम 4 बजे तक की जा सकती हैं शिकायतें, अवकाश के दिन हेल्पलाइन नंबर खुला नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत पानीपत ब्लॉक के लिए जिला सचिवालय परिसर में अंत्योदय मेले का किया गया आयोजन, मेले में पहुंचे 168 परिवार। रेडक्रॉस सोसाइटी ने आयोजित किया रक्तदान शिविर, उपायुक्त ने किया रिबन काटकर शिविर का शुभारंभ, रक्तदान शिविर में 40 यूनिट इकट्ठा किया गया रक्त। अप्रैल महीने का बकाया राशन बीपीएल परिवारों को 8 मई तक किया जाएगा वितरित, डीसी ने दी जानकारी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, ताजा अपडेट के लिए जुड़ रहे वर्सो पानीपत के साथ नमस्कार।